झामुमो ने बोरियो से विधायक लोविन हेम्ब्रम को सस्पेंड कर दिया है। झामुमो ने एक अधिसूचना जारी कर कहा है कि लोविन हेम्ब्रम ने गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया है। लोविन हेम्ब्रम ने राजमहल लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन किया है। उस अधिसूचना के माध्यम से उन पर आरोप लगाया गया है कि लोबिन ने पार्टी कार्यकर्ताओं को भ्रमित किया है। झामुमो ने लोकसभा चुनाव में पार्टी के विरुद्ध कार्य करने वाले अनेक दिग्गज नेताओं के ऊपर कार्यवाही की है। इनमें विशनपुर से झामुमो विधायक चमरा लिंडा को पार्टी से सस्पेंड किया गया है। चमरा लिंडा ने लोहरदगा लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं पूर्व विधायक बसंत लौंगा को भी पार्टी ने 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। बसंत ने खूंटी लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर मैदान में है। पूर्व विधायक जेपी वर्मा ने भी कोडरमा लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन भर दिया है। वहीं आपको बता दें कि लोबिन झामुमो अलाकमान से लंबे समय से नाराज चल रहे थे। हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद जब विश्वास मत की वोटिंग होनी थी, तब से ही यह खबर आ रही थी कि वे नाराज है। लोबिन के बीजेपी में भी जाने की अटकलें तेज हो गई थी, लेकिन लोबिन बीजेपी में ना जाकर निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर पर्चा भरा। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।